ये अल्लाह खैर, ये अल्लाह खैर, अल्लाह ऊपर, अल्लाह ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यहीं पर थक गया हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। टाइम का पता ही नहीं लगा यार, दोपहर के 2 बज गए हैं और हमारी आंख अब खुल रही है। खैर, सुबह 7:30-8 बजे हमने रूम में चेक इन किया था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रज्जब भाई कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं, कहाँ नज़ारे लूट रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं आवारागर्दी ही करने आया हूँ। लेकिन जिस तरह इजाजत लेके अम्मा से मैं आया हूँ ना, मैं बता नहीं सकता मैं कैसे आया हूँ कल रात को लाहौर और आज सुबह नथिया गली। ये सारा मामला कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इतनी जल्दी आन पड़ी कि मुझे रातों रात नथिया गली आना पड़ा। आप लोगों को आई नो आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैंने नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और आप लोगों को मेरी साइकी का अभी पता नहीं है। तो मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, मैं शावर ले लूं, कपड़े चेंज कर लूं, भूख बहुत शदीद लग रही है, नाश्ता करने के लिए निकलते हैं। उससे पहले मैं आपको पूरे रूम का एक बार टूर दे दूंगा और सारी स्टोरी सुनाऊंगा कि हमारी रातों रात नथिया गली आने की स्टोरी क्या है। मैंने जब जब सोचा है कि यार जिंदगी में कुछ एडवेंचरस कर लूं, कुछ थ्रिलिंग कर लूं, जिंदगी ने मेरे साथ 4 हाथ से ज्यादा थ्रिल किया। अब हुआ क्या कि मैं लेके आया हूं कुछ कच्चे और कुछ बनाने और ये कुछ स्लीवलेस। मुझे आइडिया नहीं था कि नथिया गली का मौसम कैसा होगा। मेरे जहन में यही था यार जुलाई का महीना चल रहा है, गर्मी ही होगी, नॉर्मल टेम्परेचर होगा और यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी है। सिर्फ इस टी शर्ट के अलावा मेरे पास 2 वेस्ट हैं। वैसे तो मैंने कल वापस चले जाना, कल सुबह सुबह इंशाल्लाह, तो आज का दिन हमें इस वेस्ट और टी शर्ट में ही गुजारना पड़ेगा, थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत ही ठंडा पानी था भाई। खैर, नहा लिया, कपड़े चेंज कर लिए, ये देख रहे हैं इसी तरह के 2 स्लीवलेस मैं लेके आया हूँ और अब मुझे इन्हीं में गुजारा करना पड़ेगा। अभी जल्दी से आपको रूम का टूर करवा देते हैं, उसके बाद निकलते हैं नाश्ता करने। साथ ही साथ मैं आपको होटल का भी बता दूंगा, अगर आप नथिया गली आने का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त होटल है। क्या बात है, क्या बात है, बाय 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 बाय। बहुत ही जबरदस्त होटल है, बहुत ही मुनासिब प्राइस है और रूम टूर देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि रूम भी साफ सुथरे हैं और इकोनॉमिकल प्राइसेस में। वो रही अपनी गाड़ी, मेन रोड से एंटर होते ही हमारा रूम आता है। ये हमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस दिया था लेकिन मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है। ये आ गया बेड, ये सामने अपनी विंडो आ गई और ये ऊपर बहुत ही खूबसूरत मंजर है। पंखे वगैरह यहाँ नहीं लगे होते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा एक मसला है कि मैं जब भी कहीं टूर पे गया हूँ, मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मुझे रूम मिले व्यू वाला, जिसकी विंडो या जिसकी बैल्कनी व्यू वाली हो। अगर कभी ना मिले तो गुजारा तो करना पड़ता ही है। अब मैं इसका व्यू दिखाता हूँ आपको, चेक करें। सुबह जब इंसान उठे तो क्या बात है, क्या ही गुड मॉर्निंग होती है। अभी खैर निकलते हैं, फौरन भागते हैं नाश्ता करने। कोई हाल नहीं है, वैसे मेरा पूरे होटल की प्रमोशन कर दी और आप लोगों को होटल का नाम तो बताया नहीं। ये होटल का नाम है, अगर आप लोग प्लान करें नथिया गली आने का तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, पूरा नथिया गली का बाजार देख लिया, नाश्ता कहीं नहीं मिला और मेरा मसला यह है कि ये जो वाइब है ना, इस माहौल की वाइब को कंप्लीट करने के लिए मुझे अंडा, पराठा, चने और चाय जरूरी है। हर रेस्टोरेंट में इस टाइम खाने का टाइम चल रहा है, दुबे पिज्जे सैंडविचेस चल रहे हैं लेकिन वो मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरी वाइब कंप्लीट नहीं होगी। लकीली हम एक रेस्टोरेंट पे आए जिनके ऑनर सामने ही बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज अगर आपका किचन चल रहा है तो 2-3 पराठे लगवा दें, मुझे नाश्ता करवा दें ताकि मैं इंजॉय कर सकूं माहौल को। उन्होंने कहा यार बच्चा इतना इंसिस्ट कर रहा है, लगा दो। तो मेरा एक स्पेशल शाउट आउट है उनके रेस्टोरेंट को, ग्रीन अनियन रेस्टोरेंट है नथिया गली मेन बाजार के अंदर। आप लोग जब भी आए जरूर ट्राई करें, बहुत प्यारी सर्विस है इनकी। बगैर नाश्ता करके मैं टेस्ट का भी बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पराठा चनों से भर के, चने ऑमलेट से भर के और ऑमलेट चाय से भर के, 10 out of 10। अच्छा जी, तो अब आपको स्टोरी सुना देते हैं नथिया गली आने की। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि माउंटेन्स मेरा फर्स्ट लव है।
अब सीन ऐसे हुआ कि पिछले 4-5 दिन से मैं काफी बोर चल रहा था, जहां बैठा हूं बैठा ही हूं, काम करने को दिल नहीं कर रहा। मुझे आइडिया हो रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर विटामिन माउंटेन्स की कमी हुई भी है। बस फिर होना क्या था, अम्मा के पाँव में बैठ गया और कहा कि इजाजत दे दें, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही मैं आया हूँ नीलवा से और मेरा पाँव फटा हुआ है। आप लोगों को आइडिया है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये परफेक्टली फाइन नहीं हुआ। कुछ देर की तरले मिनटों के बाद अम्मा मान गई और मैं उसी रात 12 बजे लाहौर से निकल आया। मैं ये काम पहले भी काफी बार कर चुका हूँ। वो रही अपनी गाड़ी, और यहाँ पे कोई बंदा कोई बशर नहीं है, सिर्फ परिंदे हैं और उनकी आवाजें हैं। ये चीज मुझे बहुत सुकून देती है। अच्छा, मैं अकेला क्यों आया हूँ? अकेला पहले भी मैं 2-3 बार आया हुआ हूँ, इसी तरह आता हूँ, वन डे ट्रिप करता हूँ और वापस चला जाता हूँ। लेकिन इस बार मैंने अकेले नहीं आना था, मेरे दोनों दोस्तों ने मेरे साथ आना था, जो नीलवा भी हमारे साथ गए थे। लेकिन दोनों की एंड टाइम पे एक जेन्युइन रीजन थी, एक की तबीयत खराब और एक की फैमिली में इवेंट था, तो वो नहीं आ सके। अब मैं करता क्या, मैंने तो अम्मा से इजाजत ले ली थी और वैसे भी 10-12 दिन के बाद, उससे भी कम, मुहर्रम स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद मैं कहीं जा नहीं सकता, मुहर्रम सफर मैं कहीं निकल नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो बट साहब अकेले ही होके आ जाओ। अब आपको सारा इंट्रो दे दिया, अब मैं यहाँ बैठूंगा, काफी देर यहाँ बैठूंगा, यहाँ के लोकल्स गुजरेंगे उनसे बातें करूंगा, चिल करूंगा थोड़ी देर, रात को जाऊंगा मूवी देखूंगा, अपने रूम का व्यू एंजॉय करूंगा, खाना शाना खा के सुबह फर्स्ट टाइम गाड़ी को सेल्फ मारेंगे और लाहौर वापस आ जाएंगे। मैं इस तरह की बेवकूफियां करता रहता हूँ। छोटे भाई यार, वो भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना हो, वो जो खेल रहे हैं, तो ये रास्ता कहाँ पर है, कहाँ से आ सकते हैं अंदर? वहाँ से, आगे से। तो खेलने दोगे हमें? यस यस, आ जाऊं? कहाँ से आना है? कहाँ से? अबे यहाँ से जाना है जी। अच्छा, ये ऊपर ना सारी वायर लगी हुई है, तो अब ये यहाँ से कोई रास्ता है? चल तू पहले आगे चल, मुझे डर लग रहा है। लोगों ने कहना बैठा आपको कोई सीधा काम नहीं है, जो जहान के उल्टे काम आपने करने हैं। अबे कोई चीज तो नहीं है यहाँ पे, सांप वगैरह कुछ है? देख के ध्यान से, एक मिनट रुक जा, मुझे साथ लेके जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ओ तेरा पलाव जी, चल 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 चल, ओए 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 ओए, आगे आगे बाहर आगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो पहुंच गए यार। सिदादा तू तो, ओए फौज तो नहीं आ जाएगी कहीं, मार पड़वा दे तू मुझे। चलो 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 आगे, चलो आप आगे चलो। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ गए ट्रैक पे, आ गए ट्रैक पे, आ गए। यार ये तो बड़ी प्यारी चीज है, मैं तब से देख रहा था कि सारी जाली लगी हुई है, ऊपर वायर है, तो यहाँ पर क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं? नीचे से सुरंग बनी हुई है। क्या कह रहे हो? मैं रहता हूँ लाहौर। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। ये हैं वो प्लेग्राउंड्स जहां से शाहीन शाह अफरीदी जैसे भी बंदे निकले हुए हैं। ऐसे ही है, ओ क्रिकेट खेलते हैं। शाबाश 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 शाबाश, ओए बच गया। चलो जी चलो, मैं किसकी टीम में हूँ? आपकी टीम में हूँ, और दूसरी टीम के भाई ये हैं। चलो ये दुख काहे खत्म नहीं होता। बचपन में भी कभी मेरी पहले बैटिंग नहीं आई, और आज भी जिस टीम में मैं हूँ उसकी पहले बॉलिंग आ गई है। उन्होंने कहा भाई वो बाउंड्री पे जाके खड़े हो जो कैच पकड़ो जाके। लड़के ने छक्का मारा भाई, बॉल ही नीचे चली गई है, और ये नीचे उतर गए बॉल लेने। पूरा जंगल है यार, नीचे चले गए बॉल लेने, तो नीचे कोई जानवर निकल आया तो फिर क्या? क्या जानवर से डरते नहीं है? वो कह रहा हम जानवर से कम नहीं है, ये कह रहा हम जानवर से डरते नहीं है। वो देखो नीचे चले गए बॉल लेने पूरे, ओए सारे चले गए। मेरा ओवर है, चलो जी मैं ओवर करवाने लगा। अंकल नशे ने, अंकल कमेंट्री करा, अंकल नशी का, अंकल नशी का, और ये भागते हुए, और ये मनाजर, और ये मरी, और गई बॉल सामने, वापस हम आ जाते हैं, और ये दोबारा से बैठे बैट को पकड़ते हुए, ना चाहते हुए भी हम हार गए, स्कोर ही बहुत था। बस भाई मुझे तो सांस चढ़ गया, ये देखो इतनी गहरी खाई है जहाँ से ये लोग बॉल निकाल के लाते हैं, और मैंने अभी फिर उसी टनल से वापस जाना है, फिर डर लग रहा है। आप लोगों ने न्यूज़ में काफ़ी बार देखा होगा कि नथिया गली में रात को चलते हुए आपको ट्रैक के ऊपर चीते नज़र आते हैं, वो बेसिकली यहीं में रहते हैं, यहीं से निकलते हैं,
और मेरे पुठे काम। अम्मा मेरी सही गालियां निकालती हैं मुझे, मेरे काम देख लो। तेरा फलाज अब इस घर से जाना पड़ेगा फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आई नो कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन यकीन करो मेरी खुशी है इन चीज़ों में, ये बच्चों के साथ खेलने में। धूप का नामो निशान नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ये बहुत सुकून देती है मुझे ये चीज़ें। अरे वाह, अपने होटल का तो रूफ टॉप पे बैठने का इंतज़ाम भी है अभी। रात को यहाँ सुकून से आप बैठ के सर्दी इंजॉय कर सकते हो। चेक करो कितना प्यारा व्यू है यार, सुभान तेरी कुदरत, माशाल्लाह। ये बादल इस टाइम बहुत करीब हैं, मैं आपको वीडियो में बस इतना ही बता सकता हूँ कि बहुत करीब हैं, सुभान अल्लाह। दिस ऑल आई वांट इज जस्ट दिस। अब चाहे मुझे कल शाम तक यहाँ बिठा के रखो, बस खाने पीने को चीज़ें देते रहो और मैं यहाँ पर आराम से बैठा रहूँगा। अच्छा भाई, ऊपर हो गई है बारिश स्टार्ट, तो मैं नीचे आ गया हूँ रूम में, थोड़ी सी एडिटिंग हमारी पुराने व्लॉग्स की रहती है, एडिट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं रात को। ले फिर आ गए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मैं उठ चुका हूँ, थोड़ी देर आंख भी लगा ली और व्लॉग भी एडिट कर लिया। मुझे बेसिकली उठाया है बहुत ही प्यारी खुशबू ने, मुझे अब पता लगा है कि हमारे होटल के अंदर किचन भी है भाई, बहुत ही मज़े का बेहतरीन किस्म के खाने बन रहे हैं और खुशबू बड़ी मज़े की आ रही थी। सच्ची बात करें तो अभी भूख नहीं थी, लेकिन खुशबू ने मुझे उठाया, नीचे आके देखा तो कड़ाही बहुत ही मज़े की भाई बना रहे हैं, और यहाँ पर तंदूर नहीं है, चपातियाँ लग रही हैं। घर से दूर, घर वाला माहौल, हाफ कड़ाही लगवाई है, साथ दाल माश मंगवाई है, छत पे बैठे खाते हैं। आ गया जी खाना, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने ज्यादा ऑर्डर कर लिया, चलो जो बचेगा वापस भेज देंगे। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजे का खाना था, कॉम्बो था, एक तो रूफटॉप, ऊपर से हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और खाने का टेस्ट बहुत आला था। मैंने बेवकूफ़ी की, सुबह बाहर गया नाश्ता करने, लेकिन जिन्होंने नाश्ता सुबह करवाया था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि हमारे अपने होटल के अंदर भी खाना बनता है। यार मैंने सुबह फर्स्ट टाइम निकल जाना, मैं इस सुकून को बहुत मिस करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मिस मैं अपनी अम्मा को कर रहा हूं, जिनकी गालियां और जूतियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अच्छा खैर, टाइम काफ़ी हो गया, रूम में चलते हैं, जाके थोड़ी देर सो जाते हैं, सुबह उठ के फर्स्ट टाइम निकलना, व्लॉग हम कंटिन्यू रखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके जी, टाइम हो रहा है 10 बजे का, नाश्ते का ऑर्डर हमने कर दिया, शावर ले लिया, सामान हमारा गाड़ी में रखवा दिया गया है, छत पे बैठ के नाश्ता करते हैं और निकलते हैं लाहौर। बेसिकली हमारे होटल के बिल्कुल साथ आर्मी एयरफोर्स का बेस कैंप है, तो सारा दिन ये हेलीकॉप्टर जो है ना, ये आते जाते रहते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखने में शक्ल सूरत तो नाश्ते की अच्छी लग रही है, बाकी टेस्ट करके फिर बताता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आई विल मिस यू, आई विल मिस यू, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह मुहर्रम सफर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह भेरा पहुंच चुका हूं, बस घंटे डेढ़ के अंदर लाहौर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी भूख लगी है, हल्का फुल्का सैंडविच खा लेते हैं और एटीएम यूज़ करना। बहुत ही एक ज़रूरी बात करने के लिए स्पेशल गाड़ी से उतरा हूं, वीडियो बना रहा हूं। जो बात कहने लगा उसे मजाक नहीं समझना और ज़िंदगी में एक बार ट्राई ज़रूर करना है। ज़िंदगी में फैमिली और दोस्त बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़िंदगी में अकेले ट्रिप ज़रूर मारना, लोकल बस या किसी टूर गाइड के साथ नहीं, अपनी कन्वेंस पे, चाहे फिर वो बाइक हो या गाड़ी। कसम खुदा की मजा ना आया ना उस टाइम पे मेरे इनबॉक्स में आके गालियां दे देना चाहे मुझे। अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग खाने ट्राई करना, अजीब ही मजा है। बारिश भी बस होने ही वाली है, खैर अब मुलाकात होती है घर पहुंच के। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। आ जा भाई। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम नथिया गली, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम किधर आपकी? अस्सलाम वालेकुम जान जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन कर, क्या हाल है?
ठीक ठाक तबीयत से ठीक ने सुना चौधरी अस्सलाम वालेकुम जब पपी डाल दो पपी खा दो पपी आओ आए 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 ओके जी यहाँ करते हैं व्लॉग को एंड मैं अब टाइम दूंगा अम्मा और बाबा को आप लोग अपना ख्याल रखें आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो आज का नहीं जो परसों से चल रहा है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरी बात याद रखिएगा जिंदगी में एक बार जो मैंने कही थी सोलो ट्रिप लाजमी कीजिएगा अपना ख्याल रखें आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़।